अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है एक जानी मानी प्रोडक्ट पर, एक जाना माना ब्रांड जिसके आजकल फेस वॉश चल रहे हैं। आजकल फेस वॉश के अलावा जो है आजकल इनके सोप चल रहे हैं, ठीक है, क्रीम चल रही है, ब्यूटी क्रीम है और लोशन। तो वो ब्रांड है गोल्डन पर्ल। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें गोल्डन पर लोशन के ऊपर भी एक रिव्यू दें कि ये किस तरह का लोशन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो क्रीम है और इसका जो फेस वॉश है उसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्डन पर लोशन जो है इसके डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाते हैं, आप जो भी बाय कर लें आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो ये बाय की है बॉटल 200 ml की बॉटल है और इसकी जो प्राइस है वो है 180 rupees। अच्छा, ये क्या क्लेम करते हैं? मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ब्राइट एंड हाइड्रेट स्किन विद बेनिफिट्स ऑफ विटामिन B3। अच्छा, इसमें विटामिन B3 है, ठीक है, सबसे सबसे अच्छी बात ये है। नेक्स्ट ये है कि अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। अच्छा, पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिज़ल्ट बताऊँगी। चलें जी, ये इसका टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर है इसका, जैसे कि हमारे निविया और इनमें होता है ना, इस तरह का है। चलें जी, हम इसे अप्लाई कर लेते हैं दोनों हैंड्स पर। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत प्यारी। अच्छा, एक बात है, गोल्डन पर्ल चाहे सोप है, चाहे फेस वॉश है, चाहे क्रीम्स हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है। जिन लड़कियों को खुशबू पसंद है तो उनके लिए तो बेस्ट है, जिनको नहीं पसंद उनके लिए बस गुजारा ही है। खैर, मैंने ये लोशन अप्लाई कर लिया है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र ये है पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है। नंबर टू, ये आपको आपके जो हैंड्स हैं उनको वाइटन अप करता है अगर आप इसे मुसलसल यूज़ करें। अगर आप इसे मुसलसल यूज़ नहीं करते तो ये इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। ये एज़ इट इज़ ऐसे ही है, जैसे हमारे पास आजकल आम में वैसलीन के लोशन चल रहे हैं, सेम एज़ इट इज़ है, ठीक है। या फिर एक केयर का लोशन चल रहा है, वो है, उसकी खुशबू बहुत है लेकिन उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। तो आजकल ओलिविया के भी चल रहे हैं लोशन, ठीक है। सो ये है कि ये अफोर्डेबल है, वक्ती तौर पे आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है, ग्रीसीनेस नहीं लाता, लेकिन उसके बाद जो है आपकी जो स्किन है वो एकदम से ड्राई हो जाती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुशबू अगर अच्छी चाह रहे हैं अपने लोशन में तो आप इसके 2-3 कतरे ऐड कर लें लोशन के, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग मेरे ख़्याल से नहीं, ठीक है। हाँ, आप बॉडी मॉइस्चराइज़र के तौर पे इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हम बॉडी पर मॉइस्चराइज़र इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है उसकी जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए तो बेस्ट है, लेकिन वैसे हैंड के लिए, फेस के लिए तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, बॉडी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 180 rupees का है, ईज़िली आपको हर जगह से मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो और चीज़ें हैं, जो और लोशन फ्लेवर हैं, मैं उनकी पिक कहीं पर लगा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।